काहे, मतलब काहे बनाई ये मूवी? क्या भारत की जनता को खुश देखना बॉलीवुड को बर्दाश्त नहीं है? नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा पगलैट मूवी के बारे में, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज किए गए और इस मूवी को डायरेक्ट किया उमेश बिष्ट ने। इसमें कास्ट शनाया मल्होत्रा, शानी गुप्ता, आशुतोष राणा, आशिफ खान और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार। अब तो इसमें कास्ट ज्यादा है इसलिए नाम नहीं ले सकता। तो अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसी मूवी स्टार्ट होती है तो इसमें दिखाया जाता है कि आस्तिक गिरी नाम का एक लड़का जिसकी डेथ हो चुकी है, वो जवान ही होता है कि अभी उसकी 5 महीने पहले शादी हुई थी संध्या नाम की एक लड़की से, और जब उसकी डेथ होती है तो पूरे घर में एक मातम साया है। अब यहां पर तो पूरा घर उदास है लेकिन संध्या के ऊपर उसका कोई असर नहीं है, वो एकदम नॉर्मल है, पेप्सी पी रही है, चिप्स खा रही है। अब पूरा परिवार 13वीं तक एक साथ रहता है, बहुत सारे जो लोग हैं दूर दूर तक रहते थे परिवार के, जो वो एक साथ आते हैं, और वही जब एक परिवार एक साथ मिलता है तो ज्यादातर क्या करता है, चुगली करता है या फिर किसी को ताने मारता है। ये हर चीज होती है, चाहे वो कैसा ही भी परिवार हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे या भारत का हो या बाहर का हो। मुझे तो यही लगता है कि भाई साहब, वो उनका एक साथ मिलना यही करना है कि भाई ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, ये क्या करेगा, इसकी किसके साथ शादी हुई, वो फलाना फलाना धमकाना धमकाना सा जान की चीजें वो बोलते हैं। और ट्विस्ट इस मूवी के अंदर तब आता है जब एक इंश्योरेंस एजेंट आता है और वो कहता है कि आस्तिक ने 50 लाख की एक इंश्योरेंस करवाया था जो उनकी वाइफ संध्या के नाम है। अब वो नॉमिनी उन्हें बनाया था तो अब संध्या को 50 लाख मिलते हैं। अब जैसे ही 50 लाख मिलते हैं संध्या की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है उसके परिवार में, जहां पर एक तरफ उसके ससुराल वाले जो कह रहे थे कि भैया संध्या की दूसरी शादी करवा दो, अब उसको ससुराल में रखने का क्या फायदा है, उसकी सामने पूरी लाइफ पड़ी है, 5 महीने ही हुए थे उसकी शादी करने किए हुए, और जैसे ही पैसे आते हैं वो कहते हैं कि अब हम इसको ससुराल में रखेंगे। इवन संध्या की माँ ये कहती है कि इसको उसको उसके ससुराल में रहने पर ही जोर देती है, वो कहती है कि इसको घर पे नहीं, यानी अपनी मायके नहीं ले जाएंगे, इसको यहीं पर रहने दो, उसके ससुराल में रहने दो, ये उसी का घर है। लेकिन जैसे पैसे आते हैं वो कहती है कि चल बेटा तुझे मायके ले जाऊंगी, यहां पर नहीं रहने देंगे, यहां पर तुझे कुछ नहीं रहने देंगे। तो ये सब चीजें इसमें दिखाई गई। मैं एक चीज इससे समझोगे क्या, यही कि आप पैसा जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, गेम चेंज कर देता है भाई साहब एकदम। और अब देखने वाली बात ये होती है कि संध्या क्या रास्ता चुनती है, कैसे इस चीज से बाहर निकलती है, या सिर्फ वो सब चीजें देखो आप लोग, ये मूवी देखोगे तभी आप समझ जाओगे। और टेंशन ना लो, मैंने कोई स्पॉइलर नहीं दिया, जितना ट्रेलर में था उतना ही बताया, या थोड़ा बहुत कम या ज्यादा। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी के अंदर क्या अच्छा लगा। देखो सबसे अच्छी चीज मुझे इसके अंदर लगी परफॉर्मेंस, सब कलाकार की जो परफॉर्मेंस है मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। मैं बात करूंगा आशुतोष राणा सर की, उनकी जो परफॉर्मेंस है सच में यार, जैसे उनका फेस देखा कि एकदम से उदासी उनके चेहरे पे, वो एक्सप्रेशन उन्होंने बहुत अच्छे से डिलीवर किया है। और इस मूवी का जो जोनर रखा गया वो कॉमेडी और ड्रामा रखा गया। कॉमेडी की बात करूं तो देखो यार, इसमें एक दो जो सीन है, एक या दो इतने ही कहूंगा, पूरी कुछ सीन्स भी नहीं कह सकता, एक या दो ही सीन है जिनके अंदर थोड़ी बहुत हंसी आ जाती है, बाकी मूवी के अंदर कहीं पर भी हंसी नहीं आती। कोई भी ह्यूमर हमें ऐसा नहीं निकलता कि हाँ यार ये हमें हंसाए, कुछ भी नहीं लॉजिकल उस चीज में बनता। और इवन ये मूवी जो है वो 2 घंटे लगभग लंबी है, और अगर इस मूवी को थोड़ा बहुत छोटा कर देते, इवन इसके अंदर कुछ ऐसे सीन थे वो ना भी होते तो ये मूवी अच्छी बन सकती थी, उनका कोई रेलेवेंस नहीं था। फॉर एग्जाम्पल कि इसके अंदर मुझे नहीं समझ में आया कि रिलीजियन का फंडा डालने की क्या जरूरत थी। फॉर जैसे कि इन्होंने दिखाया, जब एक मुस्लिम एक हिंदू के घर पर आता है तो उसको पूजा में बैठने तक को मतलब वो एतराज जताता है, हिंदू परिवार कहता है कि तू पूजा में मत बैठ, उसको घर पे खाना नहीं खिलाते, उसको बाहर भेजते हैं, वो ये कहते हैं कि अशुद्ध हो जाएगा घर, इवन जो चाय का कप है वो भी अलग कर लेते हैं। मुझे ये वाली कहीं पर भी चीज समझ में नहीं आई यार, इस चीज का रेलेवेंस क्या है इस मूवी के अंदर, वो क्या अवेयरनेस दिखाना चाहते हैं या फिर इससे क्या वो साबित करना चाहते हैं। मैंने पर्सनली मैंने तो आज तक कभी ऐसी कोई चीज देखी नहीं भाई, ऐसी बचकानी चीजें, ये तो डायरेक्टर साहब ही बताएंगे उन्होंने ये ऐसी घटिया मानसिकता वाली जो चीजें इन्होंने डाली हैं। ओवरऑल मूवी की बात करूं तो मुझे देखो इसकी कहानी ठीक ठाक ही लगी, कोई इतना नहीं है कि हाँ एंगेजिंग है, हमें बहुत ज्यादा अपने साथ कनेक्ट कर लेती है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमेडी जो इसमें नाम नाम की है, एक या दो सीन के ऊपर हंसी आएगी। परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी, लेंथी मूवी ज्यादा है, अगर ये जो वाहिया से या फिर जो इररिलेवेंट जो सीन थे अगर उनको काट दिया होता तो ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी हो सकती थी। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 4.5 out of 10 star। 1 time वो शायद आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, अगर किसी ने देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसे लगी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।